शुरू करते हैं नेंगचंग बैंक्यूट का एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कमांडर यान सो रहे होते हैं और जियो केंगजी छुपके छुपाके उनके रूम में पहुंचती है। कमांडर यान कहते हैं कि सबसे पहले मुझे ये बताओ, इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रहे थे? तुम अभी तक इतना देर से क्यों आए हो? वो कहती है कि कमांडर यान आपने मेरा बिस्तर लगा लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं बात को काटो मत, सच्चाई बताओ। वो कहती है कि दरअसल मैं सम्राट के साथ थी, मैं उनसे तलवारबाजी सीख रही थी और सीखते सीखते थोड़ा समय हो गया, इसीलिए आने में देरी हो गई। तो यहाँ पर कमांडर यान कहते हैं कि वो तुम्हें क्या सिखाएगा? वो कहती है कि हाँ, उन्होंने निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा तलवारबाजी सिखाई है। आपको पता है कल मैं आपको हरा दूंगा और मैंने आपको हराने के लिए तलवारबाजी सीख दी है। कमांडर यान सोच में पड़ जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कमांडर यान जो कि तीरंदाजी कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं जियो केंगजी के बारे में। उन्होंने कहा था कि सम्राट से तुमने सिखाने के लिए कहा था? वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सम्राट ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, इसीलिए मैंने हामी भर दी और मैंने उसे तलवारबाजी सिखा। इसके बाद से कमांडर यान याद करते हैं कि सम्राट के साथ तलवारबाजी के बारे में और वो उन्हें कुछ समझ में आता है, फिर तीरंदाजी करने लगते हैं। जिसके वजह से उन्हें याद आता है कि उन्होंने सम्राट की जान बचाई थी पेरिला के पत्ते से, तभी सम्राट को शक हो गया था कि शायद यही यांग है, मतलब बचपन छोटा बच्चा बचपन वाला। उसके वजह से कमांडर यान जो तीरंदाजी कर रहे थे वो करते हैं। जब तलवारबाजी का समय आता है तो सम्राट भी वहां पे देखने के लिए उपस्थित होते हैं। यहां पे पूछा जाता है कि सम्राट का यहां पे कैसे आना हुआ? तो सम्राट कहते हैं मैंने सुना कि यहां पे कुछ निर्णय लिया जाने वाला है तलवारबाजी के दौरान, तो मैं यहां पे निरीक्षण करने के लिए यानी कि रिजल्ट अनाउंस करने के लिए आ गया हूं। किसी को तो होना चाहिए जो कि रिजल्ट अनाउंस करे और जाके अपनी सीट पे महाराज वाली सीट पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद जियो केंगजी भी खुश होती है, कहती है कि चलो महाराज निरीक्षण करेंगे। कमांडर यान क्या तुम तैयार हो? सम्राट भी देखते हैं ये बड़ा ही ध्यान से। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है जिसके वजह से तलवारबाजी स्टार्ट की जाती है। कमांडर यान और जियो केंगजी तलवारबाजी कर रहे होते हैं और ये बिल्कुल वही तरीका होता है जो कि कमांडर यान ने बचपन में ये तकनीक सिखाई होती है सम्राट को, और उन्होंने कहा होता है कि ये कीन परिवार का एक पुश्तैनी तकनीक है। इसके दौरान अगर किसी को अच्छे से तलवारबाजी नहीं आता है तो सामने वाला व्यक्ति घायल हो सकता है या फिर मर भी सकता है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि जियो केंगजी उड़ उड़ के कमांडर यान को घायल करने की कोशिश कर रही होती है, मतलब वहाँ कमांडर यान अपना बीच बचाव कर रहे होते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि तलवार कमांडर यान के चारों ओर से घूम के आता है। सम्राट ये सब कुछ देखकर याद कर रहे होते हैं कि बचपन में कमांडर यान ने ये तकनीक महाराज को सिखाई थी, तो महाराज ने कहा था कि ये कैसी तकनीक है। तो कमांडर यान ने बताया था कि ये किन परिवार की पुश्तैनी तकनीक है, अगर कोई साधारण सा व्यक्ति इसे करने की कोशिश करता है तो घायल कर सकता है या जान से मार सकता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जहाँ पे जियो केंगजी जब ये तकनीक इस्तेमाल करती है, तलवार चारों तरफ से घूम के आता है और कमांडर यान को चोट लग जाती है उनके सीने पे, जिसके वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जियो केंगजी तो पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, सारे सैनिक लोग आ जाते हैं, कमांडर यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, कमांडर यान करने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे सम्राट आते हैं और आदेश देते हैं कि जल्दी इंपीरियर चिकित्सक को बुलाया जाए, जिसके वजह से कमांडर यान को यहाँ से ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि सम्राट कुछ सोच रहे होते हैं, मतलब अभी भी इन्हें शक होता है कि कमांडर यान वही बचपन वाला व्यक्ति है। जिसके बाद से हम देखते हैं कमांडर यान कमरे में होते हैं और सम्राट उनका कपड़ा निकालने की कोशिश कर रहे थे कि निकालो, मैं तुम्हारी दवाई पट्टी करता हूँ, मेरी ही जिम्मेदारी है क्योंकि तुम मेरे सैनिक हो। जिसके बाद से जब उसका सीना देखने लगते हैं तो उन पे कोई भी चोट नहीं दिखाई देता और वो याद करते हैं कि बचपन में जब सम्राट ये तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे तो कमांडर यान के सीने में चोट लग गई थी और उन्होंने तुरंत चिकित्सक को बुलाकर जांच-वांच कराई थी। जिसके बाद से यहाँ पे महाराज को संतुष्टि होती है कि चलो ये वो छोटा बच्चा नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जियो केंगजी होती है वो चिकित्सक को लेकर पहुंच गई। जियो केंगजी कहती है कि सम्राट मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब मेरे ही कारण हो गया था। तो सम्राट कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जियो केंगजी कहती है मैं डॉक्टर को लेकर आ गई हूँ, अब आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर फिजिशियन आ चुके हैं तो कमांडर यान पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। सम्राट कहते हैं ठीक है फिर कमांडर यान का ध्यान रखना, और डॉक्टर से कहते हैं कि इन्हें ट्रीट करने के बाद मुझे आकर खबर दे देना। और जब सम्राट यहाँ से चले जाते हैं, जियो केंगजी कमांडर यान को बैठाती है और कहती है कि मेरी वजह से आपको चोट लगी, लाइए मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। जिसके बाद से डॉक्टर जियो केंगजी को दवाई और पट्टी देते हुए कहते हैं कि आपको 3 टाइम ये दवाई लगानी है और याद रखना तीनों टाइम पट्टी बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। जियो केंगजी शुक्रिया कहती है, डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जियो केंगजी एक बार फिर मतलब कमांडर यान को सॉरी बोलती है, कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरे ही कारण हो गया, मेरे ही कारण आपको इतनी ज्यादा चोट लग गई। कमांडर यान कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी भी नए हो, अभी भी तुम सीख रहे हो, तो ये गलती से हो गया। जियो केंगजी को बहुत ही ज्यादा ये सब बुरा लग रहा होता है तो वहाँ पास खड़े सैनिक को दवाई और पट्टी देते हुए वहां से भाग जाती है। यहाँ पे हम सैनिक को देखते हैं जो कि सैनिक कमांडर यान के पास बैठता और कहता है कि क्या आप इस छोटे हिजड़े से हार गए, आपने ऐसा क्यों किया? कमांडर यान कहते हैं कि तुम्हें पता है उसने किस तकनीकी का इस्तेमाल किया? कमांडर यान कहते हैं कि जिस तकनीकी का उपयोग उसने किया था वो हमारे ही परिवार की यानी किन परिवार की पुश्तैनी तकनीकी है। तो यहाँ पे जो सैनिक होता है वो कहता है कि अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सम्राट को आप पे शक हो गया। वो कहता है कि हाँ, सम्राट ने उसे ये तकनीक इसीलिए सिखाई है ताकि वो पता कर सके कि मैं यान हूँ या नहीं हूँ, मतलब किन परिवार से हूँ या नहीं हूँ। तो सैनिक कहता है कि अब आप क्या करेंगे? तो वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सम्राट ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि मेरे छाती पे कोई दूसरा घाव नहीं है। और वो अपने सीने से एक पट्टी हटाते हैं, पता चलता है कि इन्हें एक चोट लगी हुई है, यानी ये किन परिवार के ही बेटे हैं, वही छोटे बालक हैं। जहाँ पे वो कहता है कि सम्राट को पहले ही यकीन हो चुका है
शायद अब उससे मुझ पे शक नहीं होगा। हम सम्राट को देखते हैं जो कि अपना उदास सा चेहरा लेकर वहां से जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये वो नहीं है। अगर ये वो नहीं है तो मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचता जा रहा हूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। यहां पे उनका जो यूंच होता है वो कहता है कि सम्राट ऐसा लगता है कि आपको महारानी की याद आ रही है तो आपको उनके पास जाना चाहिए। तो वो कहते हैं तुम्हें पता भी है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? तो वो कहते हैं यूंच कि हां महाराज मुझे पता है और इसे बीते हुए 15 साल हो गए। जहां पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि किन के पूरे परिवार को सम्राट के द्वारा आदेश दिया गया था मृत्यु का। और हम देखते हैं कि सम्राट उस वक्त बहुत ही ज्यादा छोटे थे तो इनके हाथों से उस मुहर को लगवाया गया था जबरदस्ती करके। यहाँ पे सम्राट उस बातों को याद करते हैं और कहते हैं कि हाँ और उस वक्त के बाद मैंने उस मुहर को भी सील करवा दिया है। मैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता हूँ उन लोगों के लिए। मैं बस इस बात के लिए डर रहा हूँ कि अगर कभी किन्यान मेरे सामने आ गया तो मैं उसका सामना कैसे ही करूंगा। ये वो नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद हम उनका यूंच को देखते हैं जो कि महाराज से बात करते करते भाई किन का नाम ले लेता है और वहीं पे घुटनों के बल बैठ जाता है। कहता है कि सम्राट माफ कीजिए मैंने गलत नाम ले लिया। सम्राट कहते हैं चलो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां से चले जाते हैं। हम जियो कैन जी को देखते हैं जो कि कमांडर यान के रूम के बाहर इंतजार कर रही होती है। सैनिक आता है पानी वानी लेकर तो वो कहती है कि कमांडर यान कैसे हैं? वो कहते हैं कि मैंने उनकी पट्टी कर दिया लेकिन तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, उनको फिर से चोट पहुंचा दी ना, तुम कितने बुरे हो। जियो कैन जी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वहां से सैड होकर कमांडर यान के कमरे में जाती है। कहती है कि कमांडर यान मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतनी ज्यादा चोट लग गई और मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे मार्शल आर्ट में प्रभारी हैं तो आपको चोट भी लग जाएगी और मैं तो बस जीतना चाहती थी क्योंकि मैं यहाँ पे रहना चाहती थी इसीलिए मैंने आपको चोट पहुंचा दी। इसी चलते यहाँ पे कमांडर यान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, अपने मन में सोचते हैं कि मैंने एक बार फिर तुम्हारा उपयोग कर लिया और कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो चोट तो लगती रहती है। जियो कैंग जी कहती है आप चिंता मत करो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो मैं आपकी देखरेख करूंगी। जिसके बाद से वो उन्हें वहीं बेड पर सुलाने लगती है, कहती है कि आप बस सो जाओ और कुछ भी मत बोलना, आराम करो, और उन्हें एक कंबल उड़ा देती है। कहती है कि आप चिंता मत करना मैं बाहर ही हूँ और आप मुझे जो भी चाहिए आप मुझे आदेश दे देना। जो कि अपने नौकरानी के साथ आ रही होती है कमांडर यान से बात करने के लिए क्योंकि उसे जियो कैंग जी चाहिए होता है। फिर वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, अगर उसने मना कर दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। खैर छोड़ो हमें नहीं जाते हैं और फिर वापस लौटने लगते हैं। जब वापस लौटने लगते हैं फिर कुछ सोचकर वापस जाती है, कहती है कि नहीं मैं महारानी हूँ और जियो कैंग जी को मेरा पाने का हक है, अगर मैं चाहूँ उस आदमी को अपने पास रखना तो फिर कमांडर यान नहीं रोक सकता, वो तो सिर्फ यहाँ का सैनिक है ना। तो यहाँ पर उनकी नौकरानी समझाती है कि आपको पता है ना कि वो कितना ज्यादा क्रूर है, उससे तो महारानी तक भी मतलब लड़ाई करने का नहीं सोचती है, तो आप कैसे जा सकती है। वो कहती है मैं नहीं जानती, मुझे जियो कैंग जी चाहिए ताकि मैं जियो कैंग जी को जल्दी से पटा के महाराज को पटाने का जो रास्ता है वो क्लियर कर सकूं और मैं एक बच्चे को जन्म दे सकूं, और वहां से चले जाती है। हम देखते हैं कि यानीगार्ड का एक सैनिक आता है कमांडर यान से मिलता है, कहता है कि आपने कहा था कि जिन लोगों को गिरफ्तार करना है गिरफ्तारी वारंट आप मुझे देने वाले हैं, तो यहाँ पे कमांडर यान दे देते हैं लेकिन साइड बैठे होते हैं। वो सैनिक वो पड़ता है, कहता है कमांडर यान कुछ हुआ है क्या, क्या उस जियो कैंग जी ने कुछ किया है आपके साथ? मुझे पता था वो बुरा ही है और उसे हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। अब ये लोग डांट भटकार कर ही रहे होते कि जियो कैंग जी को यहाँ से निकाल देना चाहिए, तभी यहाँ पे महारानी आ जाती है जिसे देखकर वो सैनिक डर जाता है, महारानी को प्रणाम करता है। जिसके बाद से वो सैनिक वहां से चला जाता है और महारानी जो होती है वो कमांडर यान के साथ बैठ के बातें करने लगती है। कमांडर यान कहते हैं कि आप खुद यहाँ के यंगी गार्ड से बात करने के लिए कोई जरूरी बात तो होगी तो आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पे महारानी यानी रानी जो होती है वो कहती है, मतलब उनकी नौकरानी कहती है कि दरअसल महारानी के महल में कुछ ऐसे जन है जिनकी कमी है। कमांडर यान कहते हैं कि जी आप बताइए, तो वो कहती है कि मैं आपकी कुछ मदद लेने के लिए आई हूँ। कमांडर यान कहते हैं बस आप आदेश कीजिए। जिसके बाद से ये लोग जियो कैंग जी को मांगते हैं तो कमांडर यान मान ही जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जियो कैंग जी अपना सामान बोरिया बिस्तर लेकर कमांडर यान के कमरे के बाहर खड़ी होती है और वो चिल्ला रही होती है कमांडर यान दरवाजा खोलो मुझे यहाँ से नहीं जाना है, लेकिन फिर महारानी को देखकर डर जाती है कि क्या महारानी मुझे लेने के लिए है और मैं ऐसे मना कर रही हूँ। जिसके बाद से महारानी कहती है अब मेरे साथ चल भी दो। जियो कैंग जी इनके पीछे पीछे चली जाती है, वो बड़बड़ाते हुए जाती है कि ये इतना ज्यादा बुरा व्यक्ति है मुझे कैसे घर से बाहर निकाल। जिसके बाद से महारानी को देखते हैं जो कि जियो कैंग जी को लेकर आई होती है और जियो कैंग जी के घुटनों के बल बैठी होती है, महारानी की ढेर सारी तारीफ कर रही होती है, चापलूसी कर रही होती है। महारानी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ लेकिन इतनी अच्छी नहीं हो जितना तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, तो बकवास का तारीफ करना बंद करो। वो कहती है महारानी ऐसी बात नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे उनकी नौकरानी भी डांट लगाती है, कहती है कि महारानी की चापलूसी करना बंद करो और जो जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया वो काम करो। वो कहती है कि नौकरानी से कि जो है क्या तुम्हें सच में लगता है कि महारानी खूबसूरत नहीं है? तो नौकरानी तो कुछ बोल ही नहीं पाती, अपना मुंह ही बंद कर लेती है। जिसके बाद से महारानी कहती है कि मुझे विवरण चाहिए कि तुमने महाराज को कैसे लुभाया, कैसे महाराज तुम्हारे आगे पीछे डोलते हैं, आखिर उन्हें पसंद क्या है जो तुम उन्हें देते हो, ऐसा क्या चीज है? जियो कैंग जी कहती है कि महाराज जी आपको गलत फहमी हुई, आप तो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, पेंटिंग अच्छा बनाती है, डांसिंग करती है, सिंगिंग जानती है, मतलब महाराज मेरे पीछे क्यों ही भागेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, वैसे भी मैं महल में नया नया आया हूँ, पता नहीं क्यों महाराज मेरे आगे पीछे घूमते, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। महारानी कहती है ठीक है, तो फिर तुम तब तक तुम नहीं सोओगे तब तक जब तक तुम पूरी विधि ना लिख दो कि महाराज को तुमने अपने बस में कैसे किया। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है महारानी, वैसे दिन रात बहुत ज्यादा बड़ी है, तो क्या हम थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकते हैं, मतलब थोड़े समय बाद में लिख दूंगी, थोड़ा कम ही कही है। तो वो कहती है ठीक है, फिर 100 विधियां लिखो जिससे कि महाराज को तुम अपने अपने तरफ अट्रैक्ट करती हो, और हाँ साथ ही चित्र बनाना मत भूलना जियो कैंग जी, तो पूरी तरीके से
फंस जाती है। रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जो किरण जी बैठ के वो विधि विधि लिख रही होती है, चित्र वित्र बना रही होती है, और यहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि एक डंडा लेकर बैठा होता है, और जैसे ही ये सोने वाली होती है तो वो डंडा पीट देता है और वो लिखने लगती है, मतलब परेशान हो गई होती है पूरी रात के वजह से। जियो किरण जी पूरी रात नहीं सोती और अपना काम कर रही होती है, करना ही पड़ेगा क्योंकि महारानी का आदेश जो है। पूरी रात लिखने के बाद जियो किरण जी एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करती है और ले जाकर महारानी को दे देती है। महारानी कहती है कि हाँ वास्तव में लगता है कि ये काम की चीज़ है, मैं अभी जाकर महाराज पे इसका उपयोग करती हूँ और अपने प्यार के जाल में महाराज को लुभाती हूँ। नौकरानी कहती है कि महारानी इतनी जल्दी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्या पता कि इसमें सब कुछ गलत लिखा हो, उल्टा लिखा हो, जिससे कि महाराज आप पे क्रोधित हो जाए। तो यहाँ पे जियो किरण जी कहती है कि महारानी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यकीन मानिए, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद इसको जाके महाराज पे उपयोग करता हूँ, अगर काम कर रहेगा तो आप करिएगा। नौकरानी कहती है अच्छा तो फिर तुम महाराज को लुभाना चाहते हो ताकि महारानी उन्हें ना लुभा पाए, है ना। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ भी कहते हो तुम उल्टा क्यों करते हो। जिसके वजह से महारानी कहती है खैर ये सब छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। महारानी लेकर जाती है जियो किरण जी को यांग चांगवान के रूम के बाहर और कहती है कि तुम जाकर ये जो चीज है ना ये जाकर प्रयोग करो यांग चांगवान पे, अगर वो काम करता है तो मैं जाके महाराज पे ट्राई करूंगी। अब ये तो डरते डरते जाती है, यांग चांगवान का दरवाजा खोलती है, बड़ी प्यार से बोलती है यांग चांगवान खोलो ना, ये मैं हूँ जियो किरण जी, यांग चांगवान दरवाजा खोलो ना। महारानी बड़ी बेसब्री से देख रही होती है कि आगे क्या होगा, वो बड़े ही लटके मटके झटके के साथ बोल रही होती है यांग चांगवान दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ जियो किरण जी। यांग चांगवान की आंख खुलती है, मतलब वो तो परेशान हो जाती है कि कौन चीख रहा है सुबह सुबह, आ गया कुत्ते की तरह भौंकने। यांग चांगवान की जब आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि इनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लगे होते हैं, शायद ये पूरी रात से सोए ही नहीं है। जब ये बाहर आते हैं तो जियो किरण जी कहती है मैं आपसे मिलने के लिए हूँ, बड़े प्यार से कुछ बोलती है और वो दरवाजा इसके मुंह पे ही बंद कर देते हैं, मतलब ये प्लान तो फेल। जिसके बाद से हम महारानी को देखते हैं जो कि अपने रूम मतलब अपने दरवाजे में बैठी होती है, और जियो किरण जी कहती है कि कोई बात नहीं, एक प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, ये अगला है, मुझे लगता है ये कारगर होगा और ये तुम्हें जाकर ट्राई करना होगा यांग चांगवान पे। मुझे समझ नहीं आता ये महारानी अपना और महाराज का प्यार बढ़ाना चाहती है या यांग चांगवान और इसका प्यार बढ़ाना चाहती है, मतलब अजीब है ये। यहाँ पे जियो किरण जी कहती है कि महारानी और कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं ना, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है ना। तो महारानी कहती है कि देखो अगर तुम्हें मेरे दर्द से आजादी चाहिए, मेरी क्रूरता से आजादी चाहिए तो तुम्हें ये तो करना होगा, तो तुम ये चाकू लो अपना हाथ काटो, जिसके बाद यांग चांगवान तुम्हें बचा के यहाँ से किरण जी गार्ड में वापस ले जाएंगे। नौकरानी कहती है तुम्हें करना होगा करो, तो वो कहती है अगर हम ये काम नहीं किया तो नौकरानी कहती है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि तुम्हारा ये योजना भी बेकार है और तुम्हें सजा दी जाएगी। वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। जिसके पास से वो चाकू उठा लेती है, अपना हाथ काटने की प्रयास करती है लेकिन काट नहीं पाती है। महारानी कहती है कि अगर तुम नहीं काट पाती हो तो मैं अपने नौकरानी से कहूँ वो तुम्हारी मदद कर देगी। वो कहती है नहीं प्लीज। तभी नौकरानी जाती है चाकू लेके और जियो किरण जी जोर से चीखती है जियो किरण जी कमांडर यान से रोते हुए कहती है कमांडर यान प्लीज मुझे किरण गार्ड में वापस से भर्ती कर लो, मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। कमांडर यान कहता है बिल्कुल नहीं, एक बार तुम महारानी के लिए सौंपी जा चुकी हो तो मैं तुम्हें वापस दोबारा नहीं ला सकता। जियो किरण जी कहती है कमांडर यान प्लीज मुझे बचा लो, तुम्हें मुझे बचा सकते हो, किरण गार्ड में वापस ले लो। अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है कि देखो महारानी मुझे कैसे प्रताड़ित कर रही है, मुझे चोट लगी है। तो कमांडर यान कहते हैं अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जिसके पास जियो किरण जी कहती है कमांडर यान तुम कितने बुरे हो, आज मेरा हाथ कटा है कल मेरा सिर भी कट सकता है, क्या तुम्हें मेरी जान की कोई भी परवाह नहीं है। कमांडर यान कहते हैं मुझे कोई भी परवाह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, और अपना मुंह फेर करके दूसरे की तरफ चले जाते हैं। जियो किरण जी कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, बेकार व्यक्ति। आगे हम रानी के दरबार में देखते हैं जो कि कहती है कि तुम फिर इस बार असफल हो गए, मतलब तुमने अच्छे से नियम नहीं लिखे हैं। तो वो कहती है नहीं महारानी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जितने भी नियम लिखे हैं वो सभी सत्य है, मैं 100% कहता हूँ। तो यहाँ पे उनकी नौकरानी कहती है कि ये गलत कह रहा है, ये जरूर कोई चाल चल रहा है। जिसके बाद से महारानी कहती है कि इसे प्रताड़ित किया जाए। प्रताड़ना में हम देखते हैं कि अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो किरण जी को दो लड़कियां पकड़ी होती हैं और एक लड़की उनके पैरों में गुदगुदी कर रही होती है। जियो किरण जी जोर जोर से हंस रही होती है, रो रही होती है। महारानी कहती है कि अभी भी समय है, तुम बता दो कि क्या नियम है जिससे कि तुम महाराज के करीब आते हो, महाराज तुम्हें इतना पसंद करते हैं। वो कहते हैं महारानी प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे मत मारो, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है। आगे की सीन में हम जियो किरण जी को देखते हैं जो कि एक सफेद फूल अपने सीने पर रखे हुए लेती होती है, कहती है कि मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, क्या अभी भी जिंदा हूँ, जिंदा लाश बनी होती है। यहाँ पे वो सैनिक होते हैं जो कि कमांडर यान के हैं और ईदाव होते हैं। ईदाव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने महल के बाहर पूरी व्यवस्था कर दी है जिससे तुम अच्छे से जीवन बिताओगे। ईदाव कहते हैं कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं इसे करीब से जानता हूँ कि ये कैसी है और इसे क्या चाहिए। यहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो लोग बताते हैं कि कमांडर यान ने हमें भेजा है, मतलब कमांडर यान ने कहा है कि वो जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, बस कुछ योजना बनाने का समय है। यहाँ पे जियो किरण जी खुश हो जाती है, उठ के बैठ जाती है, कहती है मुझे पता था कि कमांडर यान मेरी परवाह करते हैं इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा है ना। वो कहते हैं सैनिक ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल तुम इतने ज्यादा चीखती चिल्लाती हो कि यहाँ से वहां तक सारी बातें फैलती है और सभी लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पे जियो किरण जी कहती है कि इसका मतलब उसे मेरी परवाह नहीं है, फिर वो सफेद फूल लेकर वहीं पे लेट जाती है अपने। जियो किरण जी कहती है कि इसका मतलब ये है कि कमांडर यान को मेरी कोई भी परवाह नहीं है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं, अब अपना ख्याल रख लूंगी। जिसके बाद से ये सैनिक और ईदा सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियो किरण जी अपना खिड़की खोलती है, कहती है कि उसे तो मेरी परवाह नहीं है, और सीटी को खूब ज्यादा बजाती है, जब कोई नहीं आता तो सीटी को दूर फेंक देती है, कहती है कि ये बेकार सीटी है। जियो किरण जी कहती है कि मैं उस जैसे व्यक्ति के बारे में इतना
ज्यादा क्यों सोच रही हो, जाके आराम से अपने बिस्तर पे सो जाती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कमांडर यान इसके कमरे में आते हैं, कमरे में पड़े बिखरे हुए फूल को उठा के रखते हैं, उसके सामान को अपने अपने जगह पे रखते हैं। जिसके बाद से जियो क्रंग जी के पास जाकर बैठते हैं और उसके हाथ पे दवाई लगाने लगते हैं। जब वो दवाई लगाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो नकली है, मतलब उस पर तो बस एक टेप चिपकाया गया होता है जो कि घाव का निशान दिखाता है। कमांडर यान उसे उकास देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आता है। रात का सीन होता है, हम देखते हैं कि जियो क्रंग जी डर के मारे उठ जाती है क्योंकि इसने कुछ बुरा सपना देखा होता है। जियो क्रंग जी डर के उठ जाती है, कहती है कि दुर्भाग्य से ये एक सपना था, लेकिन महारानी तो मुझे मार ही डालेंगी, वो मुझे इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रही है, मैं क्या करूं। परेशान हो ही रही होती तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। नौकरानी कहती है कि जल्दी चलो तुम्हें महारानी ने बुलाया, अपने हाथ पे अपने कान पे हाथ रख लेती है। वो कहती है बाहर से नौकरानी कि जल्दी चलो वरना महारानी तुम्हें पीट भी सकती है। अपने मन में सोच लेती है मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आगे की सीन में देखते हैं कि वो अपना इस्तीफा पत्र लिख के जाती है यांग चांगवान के पास रखने के लिए, और वहां पे कहती है कि ये सही जगह नहीं है, मुझे सही जगह पे रखना होगा, और यांग चांगवान के मेन टेबल पे रख लेती है। जिसके बाद वहां से जाने लगती है तो एक सैनिक आता है, कहता है कि जियो क्यांग जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं कहना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ बताओ ना क्या कहना चाहते हो। सैनिक कहता है कि यांग चांगवान ने मुझसे कहा था कि मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, जिसके वजह से मेरा दिमाग नंबर वन का हो जाएगा, वैसे मैं हैंडसम तो हूँ ही और साथ साथ मेरा दिमाग भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे जियो क्यांग जी होती है, वो कहती है कि हाँ लेकिन बड़ी बुरी बात है ना कि मैं मेरा दिमाग नंबर वन पे होते हुए नहीं देख सकता, और वहां से उदास होकर जाने लगती है। जिसके बाद वो सैनिक कहता है कहाँ जाने वाले हो, लेकिन जियो क्यांग जी रुकता नहीं, वहां से चला जाता है। यहाँ पे वो सैनिक जो होता है वो ढेर सारी किताबें उसी ऊपर रख देता है जहाँ पे वो पत्र रखा होता है जियो क्यांग जी। जियो क्यांग जी गेट के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि महल से कोई भी मुझे रोकने के लिए नहीं आया, यहाँ तक कि यांग चांगवान भी नहीं आया, मतलब क्या उन लोगों को मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं खड़ा जो सैनिक होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बाहर जाना है। वो कहते हैं कि हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो गार्ड कहता है सोचो मत, ज्यादा बाहर जाओ, यहाँ पे खड़े खड़े भीड़ क्यों लगा रहे हो, मतलब यहाँ भीड़ मत लगाओ, जाओ जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि मेरी किसी को भी परवाह नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ से चले जाने चाहिए, वैसे भी तो मैं यहाँ से जाने ही वाली हूँ ना। जिसके बाद से हम देखते हैं गार्ड दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि जियो क्यांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें यांग चांगवान ने भेजा ना। तो वो कहता है हाँ हाँ यांग चांगवान ने ही भेजा है। तो वो कहते हैं चलो फिर। तो गार्ड कहता है कि कहाँ जाना है। वो कहता है यांग चांगवान ने मुझे लेने के लिए भेजा ना कि मुझे वापस जाना है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यांग चांगवान ने मुझे भेजा है कि मुझे जाकर कुछ सैनिकों की पूछताछ करनी है। जियो क्यांग जी कहती है अच्छा तो क्या तुम मुझे लेने के लिए नहीं आते। वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो सैनिकों की पूछताछ करनी है, चलो मैं जाता हूँ भाई बाय बाय, और वो कहकर चला जाता है। जियो क्यांग जी सोच रही होती है कि मतलब यांग चांगवान का भी मुझे चिंता नहीं है तो मैं यहाँ पे रुकी हूँ, वैसे भी तो मुझे जाना ही था ना, मुझे जाना ही होगा। जिसके वजह से वो मुंह फुला के वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।